السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. मोहतरम नाजरिन मैं आप लोगों के सामने एक छोटी सी तकरीर पेश करना चाहता हूँ जिसका मौजू है हकूक व वालदे क्या आप बता सकते हैं कि अल्लाह के बाद दुनिया की वो कौन सी हस्थी है जिनके एहसान हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा है जी हाँ वो हमारे वालदे हैं जिनके एहसानात हमारे ऊपर इस कदर है कि हम कभी भी इन एहसान का बदला नहीं चुका सकते इसलिए कुरान मजिद में बहुत सारे मकाम पर अल्लाह तारा ने अपनी इबादत के साथ वालदे के साथ जिसम सलूक की ताक़द की है पंद्रहवें पार में सुरबनी बनी में अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे रब ने यह फ़ैसला कर दिया कि तुम सिर्फ इसकी इबादत करो और अपने वालिदैन के साथ उसने सुलूक करो फिर अल्लाह ताला वालिदैन के हुकूक की मजीद वजाहत करते हुए फ़रमाया औ किलाहुमा अगर में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनको उफ तक ना कहो इनसे नरमी के साथ बात करो इनके लिए शफकत और रहमत का बाजू फैला दो और यह दुआ करते रहो कि ऐ मेरे रब जैसे इन दोनों ने बचपन में मुझे पाला तू भी इन पर रहम फरमा मेरे भाइयों वालदे का मकाम और मरतबा हमारी शरीय इस्लामिया में बहुत ज़बरदस्त बतलाया गया है एक हदीस में रसूल अक्रम सल वसम ने वालदी की नाराज़गी को अल्लाह की नाराज़गी करार दिया है एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा गया है अल्लाह के रसूल मेरे अच्छे सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है आपने फ़रमाया तुम्हारी माँ इसने सवाल किया फिर कौन आपने फ़रमाया तुम्हारी माँ इसने सवाल किया कि इसके बाद कौन आपने फरमाया तुम्हारी माँ चौथी मरतबा जब इसने पूछा कि फिर कौन तो आपने फरमाया तुम्हारे वालिद एक हदीस में रसुलकरम सली वल् ने फरमाया कि जन्नत माँ के कदमों के पास है मेरे भाइयों एक हदीस में रसुल अक्रम सल्ल ने उस शख्स पर भदवा की जो अपने वालदे को बुढ़ापे की हालत में पाए और इनकी खिदमत करके अपने आप को जन्नत का ना बना सके इन तमाम अदीस से ये पता चलता है कि वालदे की खिदमत करना इनके अतः तरफरदारी करना इनके सा, इनके साथ शफक़त और नरमी के साथ गुफ्तु करना खास तौर पर जब वो बुढ़ापे को पहुँच जाए तो इनकी और ज़्यादा खिदमत करना एक मुसलमान औलत की जिम्मेदारी है मगर याद रहे कि अगर वालदे कोई ऐसा हुक्म हो जो अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के ख़िलाफ़ हो तो इस वक्त इनकी बात नहीं मानी जाएंगी कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है